नमस्कार, दिलखुलास मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे। आपण जाणून घेऊया शर्माजींच्याकडनं। शर्माजी, सामान्य माणूस आणि उच्च पदस्थ स्थितीला पोहोचलेला माणूस यांच्या कुंडलीमध्ये खूप डिफरन्स असतो, खूप मोठा फरक असतो। त्यांच्या कुंडलीमध्ये खूप सुंदर सुंदर ग्रहांची अशी स्थिती असते, ती स्थितीही सुंदर असते आणि म्हणून त्यांना ते पद किंवा त्या गोष्टी हासिल होतात। आपण माननीय मुख्यमंत्री विलासरावजी यांच्याबद्दल जे भाकीत केलेलं होतं तेही खरं ठरलं आणि सोनिया गांधी यांच्याविषयी केलेलं भाकीतही खरं ठरलं होतं। याविषयी आमच्या प्रेक्षकांना थोडक्यात सांगा। छोटे आदमी की और बड़े आदमी की कुंडली में ग्रहदशा का निर्माण जो है वो समझ लेना बहुत जरूरी है। जो आदमी छोटा गरीब घर में झोपड़पट्टी में पैदा हुआ है उसके कुंडली में भी इतने अच्छे ग्रह हो सकते हैं कि वो देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन सकता है। जैसे हमने शुरुआती में बोला, एक भेड़ बकरी चराने वाला अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। तो और एक बड़ा आदमी जो बड़े घर में पैदा हुआ है, बड़े खानदान में पैदा हुआ है, वो भी भिखारी बन सकता है। ये कुंडली के ऊपर, ग्रहों के निर्माण के ऊपर निर्भर करता है। यानी अगर आप राहु की दशा आपकी 22 साल में लगी है तो 22 साल से 19 साल तक तो वो उठने ही नहीं देती आपको। आपने जो बनाया हुआ है, पूर्वजों का सजोआ हुआ है, वो भी आप शराब में, जुए में या वैश्यवृत्ति में निकल जाएगा आपका। और उसके साथ में शुक्र है तो आप 3-4 शादियां करके औरतें ही आपका सब कुछ ले जाएंगी। तो अगर शुक्र और सूर्य इकट्ठे हैं तो अभी जाती हैं शादियां करेंगे आप। तो कुंडली में सामान्य व्यक्ति जो है वो भी अमीर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और गरीब अमीर आदमी है वो भी गरीब हो सकता है।